तुम लोग बचपन से रामायण महाभारत के जरिए ये सुनते आए हैं कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे सभी देवता नसुर तपस्या करके पाने की कोशिश में लगे रहते थे, क्योंकि इस अकेले अस्त्र में इतनी शक्ति थी कि किसी भी युद्ध को पल भर में जीता जा सकता था। एंड इसी अस्त्र पर मूवी आ रही है, यानी कि ब्रह्मास्त्र, जिसका हम सभी को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। एंड आज इसके ट्रेलर को रिलीज किया गया है। एंड ट्रेलर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक मास्टरपीस होने वाली है। मौनी राय के विलेन वाले लुक से लेकर नागार्जुन के नंदी वाले अवतार जैसा ट्रेलर का एक एक सीन आपको गूंजबम्स दे सकता है। तो आजकल जहां पुष्पा एंड केजीएफ जैसी मूवी बनाकर साउथ इंडस्ट्री अपनी जीत के झंडे गा रही है, तो क्या ये ब्रह्मास्त्र उनके आगे बॉलीवुड को जीत दिला पाएगी? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो पूरा विश्वास है। एंड आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र मूवी इंडिया की पहली सिनेमैटिक यूनिवर्स अस्त्रवश की पहली फिल्म होने वाली है। एंड इसे 3 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जो कि यह पहला पार्ट है। तो ये फिल्म होने वाली हमारे वेदों एंड पुराणों में लिखी हुई अलग अलग शक्तिशाली अस्त्रों के ऊपर। एंड जैसा कि ट्रेलर में देखने से लग रहा है कि ये सभी अस्त्र हमारी दुनिया में बहुत पुराने समय से है। एंड इसकी रक्षा के लिए बहुत से लोगों को चुना गया है ताकि ये गलत हाथों में ना जाए। एंड इनमें से एक अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन के पास एक अस्त्र है जिसे प्रभा अस्त्र कहा गया है, जिसे आप इनके हाथों में देख सकते हैं। नागार्जुन के पास जो अस्त्र है उसे नंदी अस्त्र कहा गया है। एंड ये कड़े के रूप में, जिसे आप इनके हाथों में देख सकते हैं। एंड इस अस्त्र में 1000 नंदियों की शक्ति है। रणवीर कपूर खुद ही एक अस्त्र है जिसे अग्नि अस्त्र कहा गया है। एंड ये आग को कंट्रोल कर सकता है। मौनी राय इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाली है, जो कि ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश में रहेगी। इस फिल्म में शाहरुख खान भी होने वाले, लेकिन ट्रेलर में क्लियरली उनको नहीं दिखाया गया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ट्रेलर में ये जो कैरेक्टर है ये SRK ने प्ले किया है। बाकी सब तो ट्रेलर में बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत इसके VFX से है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन लग रहा है। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप इस मूवी को हॉलीवुड के मूवी से कंपेयर करोगे तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड के एक एक मूवी का बजट 1000 करोड़ से ज्यादा ही रहता है। एंड इस मूवी का बजट सिर्फ 300 करोड़ है। एंड बजट के हिसाब से VFX बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग इसके ट्रेलर के नीचे ये भी कह रहे थे कि RRR मूवी का VFX इससे ज्यादा अच्छा था। तो भाई RRR मूवी का बजट 550 करोड़ था, इसका बजट सिर्फ 300 करोड़ है। एंड RRR के डायरेक्टर SS राजामौली थे, जिन्होंने इससे पहले बाहुबली मूवी बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी साबित हुई थी। एंड इसीलिए प्रोड्यूसर भी इतना पैसा उस मूवी में लगाया था। लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी है, जिन्होंने इससे पहले सिर्फ 2 मूवी डायरेक्ट की है, जो कि पहली है वेकअप सीन एंड दूसरी है ये जवानी है दीवानी, जो कि मुझे पता है अच्छी मूवी थी, लेकिन सिर्फ 2 मूवी के भरोसे इतना ज्यादा पैसा लगाना बहुत बड़ा रिस्क की बात है। एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर वो है जिन्हें बॉलीवुड के नाम पर सबसे ज्यादा नफरत किया जाता है, यानी कि करण जौहर। लेकिन ये आदमी इतना ज्यादा चालाक है कि ये आपको अपने से नफरत नहीं करने देगा। इसे पता था कि लोग इस मूवी को पसंद करेंगे एंड ये सुपरहिट होगी, एंड इसीलिए इसने अपना पैसा लगाया। इससे ज्यादा चालाक आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। वैसे आप मानो या ना मानो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर कभी खुशी कभी गम जैसी बेहतरीन मूवी हमें इसने ही दी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।